हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर बाय वीरेंद्र। आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं डिस्कस करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जो आपके CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट HSSC जो लेने वाली है उसकी एग्ज़ाम डेट, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जून के 15 से 25 तारीख के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आज कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग में आपने देख लिया होगा, काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस पे आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में कन्फर्मेशन देख लिया होगा कि CET का एग्ज़ाम अब आपके सर के ऊपर आ चुका है और अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पर लेके जाने का यही सबसे सही समय है। अब नहीं करोगे तो फिर दोबारा कभी भी मौका नहीं आने वाला है। 50,000 के अराउंड भर्तियां आने वाली हैं, इलेक्शंस आने वाले हैं, नौकरियां आने वाली हैं। यही टाइम होता है जब आपको सारी चीज़ों से साइड होके और सिर्फ अपने एम के ऊपर फोकस करना होता है। तो जून के बीच में आपका एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावना है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का CET का एग्ज़ाम ग्रुप सी और डी पोस्ट के लिए। दूसरी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न उन्होंने अभी तक जो बताया है वो बिल्कुल सेम बताया है। 25% आपकी हरियाणा जीके आने वाली है और बाकी जो आपका रह गया मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी और आपका कंप्यूटर, वो सभी उसी फॉर्मेट में आएगा। जहाँ पे बात करें कंप्यूटर की तो 7 से 8 से 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर के देखने को मिल सकते हैं, 15 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी के देखने को मिल सकते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के देखने को मिल सकते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आपको जीके, इंटरनेशनल जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स वगैरह के देखने को मिल सकते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमेशा की तरह पैटर्न चलता आया है। लेकिन आपको कौन से की एरियाज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है उसके बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आप लोगों को कंप्यूटर के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, आप लोगों को साइंस के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। 9th और 10th क्लास की जो साइंस है NCERT उसको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में PDF अपने टेलीग्राम चैनल, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, उस चैनल के ऊपर जाइए, फाइल सेक्शन में जाइए, 6ठी क्लास से लेके 10वीं क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की NCERT की PDF वहाँ पे अपलोड कर दी गई है। तो आप वहाँ से उन PDFs को डाउनलोड करके अपनी स्टडी को और बेहतर कर सकते हैं और NCERT अप्रोच के साथ अपनी तैयारी को जरूर कीजिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में, हरियाणा के एग्जाम्स में NCERT से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा बात करें हरियाणा जीके तो आपको पक्की करनी ही करनी है, साथ ही साथ इंडिया जीके या नेशनल जीके, इंटरनेशनल जीके जो है थोड़ा सा वास्ट एरिया है, तो वहाँ पे ज़्यादा समय ना लगा के बेसिक मोटी मोटी बातों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉलिटी में कौन सी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, आर्टिकल्स कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कब कौन सा संविधान में जो है वो चीज़ें को जोड़ा गया था, चीज़ों को घटाया गया था, 18 साल से बढ़ा के 21 साल उम्र कर दी गई पंचायती राज, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को देखना पड़ेगा। और CET का एग्ज़ाम आपके जून महीने में होने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न वैसा ही रहेगा जैसा आता आया है, सभी सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम देना है, लेकिन फोकस ज़्यादा साइंस, कंप्यूटर और हरियाणा जीके, मैथ्स, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, यही चीज़ें आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और बेहतर से बेहतर रिजल्ट आप लोग अब की बार लेके आने वाले हैं। और बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।